रूप याद किया, पूछे बालक का रूप होता पूरा पकड़ के सुना बैठ के बैठ के बालक पहले ही सेंटेंस गलत कर दिए बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकस्य बालकयो बालकानां बालके बालकयो बालकेषु हे बालक हे बालको हे बालकम् और कोई जब याद हो ये बता दीजिए ठीक है, और नहीं याद हुए तो चलिए आगे चलते हैं तो। लेकिन शर्त ये है कि एक ही दिन छोड़ेंगे बस, दूसरे दिन नहीं, लेकिन बेइज्जती के लिए तैयार रहना आप लोग, सही बेइज्जत बहुत करेंगे। याद हो जाएगा पता है, पहली बात तो 10% खुशी मिल जाएगी, हम जाने हुए कुछ अगर पढ़ाया जाएगा बालक का रूप, और धातु रूप ये मायने रखता है किसी भी चीज़ का। संस्कृत का मतलब है रूप, अगर आपको याद है तो किस तरीके से वो प्रयोग कर रहे हैं फटाफट पता चलेगा, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं। दो चीज़ छूटा था, एक छूटा था क्या, और आप बता तो दिए थे, लिख लिए थे आप लोग, तब चलिए आगे चलते हैं। लिखिए उच्चारण स्थान। एक बात समझिए कि हिंदी का उच्चारण स्थान और संस्कृत का उच्चारण स्थान एक ही होता है, यहाँ सूत्र में होता है, वहाँ पे याद करना होता है डायरेक्टली। अगर यहाँ पे हम लोग अच्छे से जो है पहला होता है बोलिए इसका एक सूत्र होता है नाम कंठ है, वही सूत्र अगर आप लोग याद कर ले, देखो गुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं पता है कैसे, कि अगर लिख दिया क च ट त प, इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब पूरा क वर्ग, क वर्ग होता था कि नहीं, इसका मतलब च वर्ग। तो ऐसे अगर यहाँ पे उच्चारण स्थान में अगर आपको कु मिल जाए तो पूरा इसका मतलब क्या क वर्ग, अगर चू मिल जाए तो च वर्ग, टू मिल जाए तो वर्ग। अब आई बात समझ में, तो यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे कह रहे का बड़ा भाई क्या है आ, तो इसका मतलब छोटा भाई भी साथ में रहेगा और बड़ा भाई भी साथ में रहेगा, और कु का मतलब पूरा का वर्ग पूरा, और उसके बाद क्या है ये इतने चीज कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाएंगे बस। और एक चीज समझ लो कि अगर वो पूछते हैं कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ हो जाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने पूछ लिया अंगा का उच्चारण स्थान तो अंगा का नासिका हो जाएगा, अगर अकेले पूछेंगे याद रखिएगा, ठीक है। यही चीज होता है, अगर उन्होंने क वर्ग का उच्चारण स्थान पूछेंगे तो आप लोग कंठ बताएंगे, अगर केवल अंगा का पूछ लिया तो नासिका बताएंगे, अगर उन्होंने कह दिया अकारस्य का उच्चारण स्थान तो अकारस्य का उच्चारण स्थान तो क्या होगा, अगर उन्होंने कह दिया बोल बताओ जल्दी बताओ, हाँ क्या होगा कंठ। केवल किसका उच्चारण स्थान उन्होंने पूछा, केवल अ का, समझ गए ना। किसी भी तरीके से अगर अकारस्य का उच्चारण स्थान पूछ रहे हैं तो कंठ होगा, दूसरी बात अंगा का अगर पूछेगा तो नासिका होगा, लेकिन अगर क वर्ग का पूरा पूछेंगे कंफर्म
तो इसमें ये ढूंढना आ गया कि नहीं? अगला जो सूत्र लिखेंगे ढूंढेंगे आप लोग, ठीक है? चलिए रुके बाटी भैया, आप लोग का कौन सा सेमेस्टर है? थर्ड सेमेस्टर। ड्रेस कौन सी लगती है जो पहने हैं? ये हमारा भी वही ड्रेस है। हम 110 नंबर ला के फंसे हैं जी। इसमें मतलब भविष्य के भावी अभी सुपर टेट में मिला है जी लड्डू 110 वाला, तो अभी भावी हम समझना पाओ तो का बस हुआ। दूसरा लिखे अब लिखे, चलिए याद हो गया, अभी तुरंत याद कराएंगे, याद रखिएगा। 2-5 मिनट में पूरा सूत्र लर्न करना है। दूसरा दूसरा होता है ता। एक चीज समझो, यहाँ कंठ ना याद करोगे चलेगा, यहाँ ताल याद नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन वो लास्ट वाला इस सूत्र के साथ जो है ना वो चीज जरूर। अको विसर्जनीय नाम कंठ है, तो भैया हमारे बोल देंगे भैया इतने जो घर में हमारे रहते हैं ये हमारे अंदर है, किसी के अंदर नहीं। दूसरा देखिए, शुद्ध बोलेंगे इचु यशा नाम तालु। बताइए चलिए क्या क्या होगा? छोटी फिर बड़ी चवर य सर, और अब हाँ यही चीज मैं यही कंफर्म करवाना चाहता था। देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर लिखा अकुह विसर्जनीय नाम, मतलब कि इतने लोगों का नाम कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो इचु यसा नाम तालु, मतलब कि इतने लोगों का नाम जो होगा वो ताल से बोला जाएगा। कंफर्म हो गए? अब दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इतने लोगों को कहाँ से बोला जाएगा? तो कभी भी अगर ये शब्द मिलेगा तो इसका नाम क्या होगा? तालुष है, ठीक है? लिख लिए, आगे चलते हैं। इसका होता है रीटु रशा राम मूर्धा। बोलिए फटाफट, री टवर र बस कहां से बोले जाएंगे? यहां लिखा गया है पूरा इतने लोगों को कहां से बोला जाएगा। ये बात समझिए, चाहे हिंदी हो और चाहे संस्कृत हो, ये भाई साहब वहीं से बोले जाएंगे और कहीं से बोले नहीं जाएंगे। आई बात समझ में? आगे चलें। बोलिए कौन कौन से लोग आएंगे, बोलो जल्दी। लवर लवर हाँ, और शुरू से बता देगा आपके लिए, शुरू से बता दे। देखिए उच्चारण स्थान चाहे हिंदी का हो और चाहे संस्कृत, तो ये जो सूत्र लिखा जा रहा है इन्हीं सूत्रों में समझ लीजिए कि कोई भी वर्ड आपका छूटेगा नहीं,
ठीक है। तो हिंदी में भी पूछता है उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ठीक है, और संस्कृत में भी पूछता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, पहली चीज ये जानो कि जैसे हिंदी में होता है को च ट त, पर अगर ऐसे लिख दिया जाए इसका मतलब होता है पूरा क वर्ण, समझ गए, इसका मतलब च वर्ण। यहाँ पे आपको पू चू देखिए टू, फिर उसके बाद तू दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब क वर्ण, इसका मतलब च वर्ण, टू मिल गया तो ट वर्ण। यहाँ पे देखिए लिखे हम पहला कंठ के द्वारा बोल जो बोला जाता है वर्ण, लिखे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। इसका मतलब ये है कि अ का छोटा भाई बड़ा भाई कौन कौन से हो जाएंगे, अ और आ, दो चीज। कु का मतलब पूरा का वर्ग हो गया, उसके बाद क्या छूट रहा है, एक वर्ण क्या है वो है, उसके बाद क्या है ये विसर्ग। तो इतना कहां से बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा, समझ गए। दूसरा है ईचु यशा नाम तालु, ई फिर बड़ी, चू का मतलब च वर्ग, फिर उसके बाद यह है तो यह लिख दिया, फिर उसके बाद श है तो फिर श लिख दिया, कहां से बोले जाएंगे, ओके। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, मूर्धा, मूर्धा है री टू रसा नाम मूर्धा, ये कहते हैं कि री हो गया, फिर उसके बाद ट वर्ग हो गया, फिर उसके बाद बचा क्या र, फिर उसके बाद मूर्धा श, उसके बाद क्या है दंत, दंत कहते हैं ऋतु नशा नाम दंत है। श का यही उच्चारण थोड़ा समझिएगा, जब ईचु यशा नाम, ईचु यशा तालु से आता है, मूर्धा के साथ कौन सा आता है, मूर्धा से आता है हटकोड़ वाला, और उसके बाद दंत के साथ कौन सा होता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं सर, देखिए ये जीभ जाकर के दांत में लड़ जाती है, सर बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें घर्षण नहीं करते हैं, बिना सीटी मारे उच्चारण इसका करते हैं, सर सर कोई दिक्कत नहीं, ये इसको आप बोलेंगे ना तो जब इसको दे करके श एकदम पूरा ताल में ले जा करके जब तक सीटी हल्का सा नहीं मारेंगे तब तक आवाज निकलती नहीं है, और ये मूर्धा है मतलब देखो बोलो श मतलब पूरा मुंह बना करके बोलना पड़ता है कि नहीं, सीटी हम लोग ऐसी बजाते हैं तो वही सिस्टम है, श मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कर देना पड़ेगा आपको, हो गया, आगे चले, लिख लिए जैसे हमने पूछ लिया, अभी तो लिखे नहीं, जैसे हमने कहा इकारस्य उच्चारण स्थान है, इकारस्य उच्चारण स्थान है, लिख दिया कंठ ताल मूर्धा दंत, क्या बताओगे, ई का उच्चारण स्थान कहाँ है, बस हो गया। अगर हमने पूछा अकारस्य का उच्चारण स्थान तो कंठ हो जाएगा, अभी उकारस्य का पूछ लिया तो हाँ इसमें तो है ये नहीं है, अभी बताए है ये नहीं है तो जानेंगे कहाँ से, फिर भी चले आगे, लिख लिए भैया, अच्छा ऐसे कहा था हमें, लिख लिए भाई कहाँ से दूसरा, जल्दी से लिखो, दो मिनट में तैयार करा दें, ठीक है। इतना समय न लगाया करो क्योंकि दोनों तरफ हो रहा है, ठीक है बेटा, इसको चलिए। अब आप लोग बताइए क्या चीज छूट रहा है, अभी गाल लीजिए बताइए क्या क्या चीज होगा इसमें, बोलो तू, अरे इनका बड़का भैया कहाँ गए, छोटका भैया याद है, बड़का भैया नहीं, फिर उसके बाद फिर आए बस इतने लोग ले जाते हैं।
सारे गामा पा हो तो माधा ना पा सारे गामा पा साधा नहीं दे है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब जिस समय में अयोग वाह बता रहा था तो उपधमानी का भी जिक्र किया था, कल आप आई नहीं थी तो वहां पे मैंने बताया था एक जीवा मूली होता है ना, एक होता है उपधमानी। हमने कहा उपधमानी जो होता है, क्योंकि ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे सिंबल में होता है प में और ऐसे सिंबल में करके होता है फ में, इसमें होता है फ में। तो अब आप लोग देखिए, और यही सिंबल जब कर ये जीवा मूली है, क्या है जीवा मूली है, और ये क्या है उपधमानी है। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग हम लोग जो संस्कृत पढ़े उसमें है नहीं, लेकिन ये अयोग वाह है। संस्कृत में अगर अयोग वाहों की संख्या पूछी जाती है तो चार होती है, याद है का भैया, जानत है संस्कृत में अयोग वाह की संख्या कितनी होती है, चार होती है। ठीक है, हिंदी में कितने होते हैं, दो होते हैं, अंग और अह, और दो वो और दो ये मिलके चार हो गए। संस्कृत में कितने हो गए, चार हो गए। तो ये पूछता है, अक्सर पूछा था अभी जो टिट दिया गया था इसके पहले वाला टिट में पूछा था कि संस्कृत में अयोग वाहों की संख्या कितनी होती है, तो चार होती है। तो देखिए ये सिंबल, दो सिंबल है, एक क क के बीच में ये सिंबल है और एक प के बीच में। जब ये सिंबल क के बीच में हो जाए तो कौन सा वर्ग ये होगा, जीवा मूली। लेकिन यही सिंबल जब प और ख के बीच में हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उपधमानी। अब देखो इस सिंबल का नाम क्या है, उपधमानी। ये है प, दोनों कहां से बोले जाते हैं, ओष्ठ से, प, प। तो ओ जो ओष्ठ होता है वहां पे देखिए हमने लिखा उपधमानी नाम ओष्ठ। तो देखिए उ हो गया, बड़ा उ हो गया, फिर प वर्ग पूरा हो गया, और ये चीज क्या हो जाएगी, उपधमानी। क्योंकि इस सिंबल का नाम क्या हो जाएगा, उपधमानी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प और फ के बीच में है, तो उपधमानी हमेशा प और फ के बीच में होता है, और जीवा मूली किसके बीच में होता है, क और ख के बीच। और इसका उच्चारण स्थान हमने लिखाया था जीवा मूल होता है, जीवा मूली का उच्चारण स्थान होता है जीवा मूल स्थान होता है। ठीक है, आगे चले, अब क्या छूटा है, बोलिए, नहीं बताएंगे आप लोग, बोलो, नहीं बताएंगे आप लोग, मत बताओ भाई, कोई बात नहीं, हमको तो बताने है कि नहीं। अब ये आया, अब थोड़ा सा इसके पहले भूमिका देख लो आप लोग, जैसे हम क पे एक मात्रा लगाना है तो क्या, जैसे मान लो ये द है, जैसे हमने लिख दिया ए, अब द पे एक ही मात्रा लगानी है तो क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे ना, अगर इसी पे ए की मात्रा लगानी है तो, समझ गए। अब देखिए अगर यही द है, द पे ओ की मात्रा लगानी है तो, अगर औ की मात्रा लगानी है, समझ गए। तो यहाँ पे वही नियम है, द और त मिलेगा आप लोगों को, लेकिन उस पे किसकी मात्रा लगती वो देखना है। कंठ तालु कहता है कि भैया ए दे तो, इसका मतलब है ए मिल गया, ये दोनों प्रयोग किए गए हैं कि जानने के लिए, द पे किसकी मात्रा है, तो यहाँ पे कौन कौन बोले जाएंगे, दो वर्ण के ऊपर बोले जाएंगे, कौन कौन से, ए और ए। यहाँ पे होता है ओ द, ओ द तो, क्या क्या हो जाएगा, ओ और आओ, बस बात खत्म। ये नासिका बोलिए फटाफट, बोलो इया,
इनको क्या कहा जाता है? अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। नासिक से यही हर एक वर्ग के जो पांचवे अक्षर होते हैं वो होते हैं नासिका के द्वारा बोले जाते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। तो अगर उन्होंने क्वेश्चन बनाया निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण है, भाई बन सकता है, सरल है, हम लोग जानते हैं, लेकिन ये नाम नहीं जानते थे। जानते थे ना, बहुत अच्छी बात है। तो आज से जो नहीं जानते थे, अनुनासिक किसको कहते हैं? किसको? नासिका के द्वारा उच्चारित होने वाले वर्णों को। अगर उन्होंने कहा निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण है, तो आप लोग तुरंत जान जाइएगा कि जो वर्गों के पांचवे लेटर होते हैं, जो पांचवे अक्षर होते हैं, वो अनुनासिक होते हैं। दंतोष्ठ किसका होता है? बस केवल एक ही होता है, वकारस्य दंतोष्ठम। यहाँ ए दैतो कंठ तालु और ये कंठोष्ठ, उधर तो कंठोष्ठ। अब देखिए यहाँ पे दंतोष्ठ का है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ। वकारस का मतलब केवल कौन से वर्ण की बात हो रही है? केवल केवल व की बात हो रही है। तो सभी लोगों का उच्चारण स्थान हो गया। दो मिनट में आप लोग फटाक से याद करिए।